हेलो गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्लस वन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड टुडे इज द पार्ट 5 फॉर दिस वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सो इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट द फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, कि फ्लोरल एक्सेस पे फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सो बेसिकली लेट अस स्टार्ट। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, जो शूट का एपिकल मेरिस्टम है, मतलब जो स्टेम का टॉप मोस्ट पार्ट है, दैट चेंजेस टू द फ्लोरल पार्ट। ठीक है, वहीं पे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, इसमें जो है इंटरनोड्स जो है वो इलोंगेट नहीं होती एंड एक्सेस दे गॉट कंडेंस्ड। ऑलराइट, सो द एपिक्स प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस लेटर ऑन। अब यू ऑल नो कि जब हमने एक सीड को बीज दिया, ठीक है, देन उसके बाद वो छोटा सा एक उसमें से प्लांटलेट निकलेगा, देन वो जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम वो जो प्लांट की टिप है वहाँ से कुछ फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि आपने एक प्लांट को ग्रो किया है एंड वो मतलब ग्रो करते ही साथ के साथ फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले वो एक एपिकल मेरिस्टेम होती है, देन लेटर ऑन इट बिकम द फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, सो द शूट टिप ट्रांसफर्स इनटू द फ्लावर। जो शूट की टिप है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। द वे फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सेस पे अपने आप को अरेंज करते हैं, उनके अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द एपिक्स, कि हाउ द एपिक्स ऑफ अ फ्लावर इट गेट कन्वर्टेड इंटू अ फ्लावर। एपिक्स ऑफ अ प्लांट इट गेट कन्वर्टेड इंटू द फ्लावर एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। ये डिपेंड करता है कि एपिक्स किस तरह से उसकी ग्रो करेगी, मतलब टिप ऑफ द प्लांट कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव द टू मेजर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो मेजर टाइप की हैं, फर्स्ट वन इज रेसिमोस एंड सेकेंड वन इज साइमोस। ठीक है, सो रेसिमोस में क्या है, द मेन एक्सेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है एंड द फ्लावर्स आर लेटर ऑन बोन इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, सो इनके इनफ्लोरेसेंस की दो मेजर टाइप है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में जो एक्सेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है एंड जो फ्लावर है वो लेटरली एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है। फाइन, एंड इन साइमोस व्हाट हैपन इज जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट हो जाती है इनटू अ फ्लावर एंड इट हैज द लिमिटेड ग्रोथ। मतलब जो साइमोस है इसमें एक स्टेम निकलेगी एंड लेटर ऑन वहाँ पे स्टेम के एपिकल वाले पार्ट पर जाके फ्लावर बन जाएगा एंड इट स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, रेसिमोस में क्या है, ये एक स्टेम आई है, इधर भी फ्लावर जा रहा है, एपिकल स्टेम ऊपर भी फ्लावर है, इधर भी फ्लावर है, मतलब इट ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग। मतलब डिफरेंट स्टेम्स दे विल स्टार्ट कमिंग, ओके, एंड द फ्लावर्स दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, एंड रेसिमोस में फ्लावर्स आके एंड इट स्टॉप्स ग्रोइंग। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, लेट अस स्टार्ट। सो जैसे अब फ्लावर के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो फ्लावर सबको पता है कि फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे फ्लावर यूज होता है, इट यू विल गेट टू नो लेटर ऑन। लाइक उसमें डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो अ टिपिकल फ्लावर के चार डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चार डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं उसमें, दे आर अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर देखा है कि अगर ये फ्लावर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फ्लावर है तो नीचे उसकी एक बड टाइप आती है, फिर उसकी स्टेम होती है। ठीक है, सो ये जो फ्लावर के रोल्स हैं दे आर अरेंज्ड ऑन द स्वोलन पार्ट। ठीक है, स्वोलन पार्ट के ऊपर अरेंज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेडिसल और द स्टॉक। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट बड इज नोन एज द थैलेमस और द रिसेप्टिकल। ठीक है, इसको बड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो देयर आर द डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ रोल्स। तो रोल्स हैं हमारे पास कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। चार तरह के रोल्स हैं फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कैलिक्स एंड करोला होते हैं दे आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इन सम फ्लावर्स जो कैलिक्स एंड करोला है दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो डिफरेंट नहीं होते कैलिक्स एंड करोला। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पेरियंथ। ओके, व्हाट वी कॉल्ड इट एज पेरियंथ। ऑलराइट, एंड
जिस फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ होते हैं उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज द बायसेक्सुअल प्लांट. ठीक है, मतलब ये दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है जी, सो द प्रेजेंस ऑफ आइदर स्टेमेंस और ओनली कार्पल्स दे आर द यूनिसेक्सुअल. अब या फिर सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट है या फिर फ्लावर के ऊपर कार्पल्स प्रेजेंट है तो दैट फ्लावर इज नोन टू बी द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बट एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब सिक्स ऑर्गन्स अगर दोनों प्रेजेंट है तो दे आर नोन एज द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर नोन एज द बायसेक्सुअल फ्लावर. सो ऑल राइट, सो दिस टॉपिक विल टेक फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.